आई इंडिया पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने जो है 761 नगर निकायों की अनंतिम सूची जारी कर दी है और सीतापुर में नगर पालिकाएं हैं उनमें क्या आरक्षण रहा है इस अनंतिम सूची में, इसके लिए हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर मौजूद है आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताइए कि जो नगर पालिका पर में सीतापुर में नगर पालिकाएं हैं उसमें क्या आरक्षण आया है अंतिम सूची में? देखो प्रियांशु, आपको बता दें कि जो सीतापुर में 6 नगर पालिकाएं और 5 नगर पंचायत हैं उनमें से 6 नगर पालिकाओं के आरक्षण की सूची इस समय आई इंडिया के पास आ गई है और बड़ा फेरबदल हुआ है। और जैसा बताया जा रहा था कि कोई फेरबदल नहीं होगी, आयोग की जो टीम आई थी और मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा गया था कि यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से हुआ है, लेकिन जो आरक्षण की अनंतिम सूची आई है उसमें सीतापुर में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अभी हमारे पास 6 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की सूची आ गई है और जिनमें से अगर बात करें सीतापुर नगर पालिका परिषद के लिए जो आरक्षण की सूची आई है उनमें महिला, पहले भी महिला के लिए आरक्षित की गई थी और फिर महिला के लिए आरक्षित हुई है, लेकिन खैराबाद नगर पालिका परिषद जो अनारक्षित हुई थी वो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसी तरह लहरपुर जो अनारक्षित थी, अभी जो हाल ही में सूची आई थी, अब पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। बिसवा नगर पालिका परिषद, यहाँ कोई फेरबदल नहीं हुआ है, ये सीट अनारक्षित पहले भी थी और फिर अनारक्षित कर दी गई है। मिश्रिक नैमिष सारण नगर पालिका परिषद में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिछली बार जो आरक्षण की सूची आई थी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई थी, कई दिग्गज यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ जो अनंतिम सूची आरक्षण की आई है अनुसूचित जाति महिला के लिए ये सीट आरक्षित कर दी गई है, तो उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। महमूदाबाद की बात करें, यहाँ पिछली सूची आई थी वो भी अनारक्षित की थी और ये भी अनारक्षित की सीट सूची आई है। तो इस तरीके से ये आरक्षण की सूची अनंतिम सूची जारी हुई है। अभी 7 दिन का समय रहेगा अपनी आपत्तियों को दाखिल करने का, लेकिन कम ही चांस होते हैं फेरबदल होने के। अब ये माना जा रहा है कि इसी आधार पर चुनाव होंगे, तो ये नगर पालिकाओं की अनंतिम आरक्षण सूची है। अभी बने रहिए आई इंडिया के साथ, नगर पंचायत की भी जैसे सूची आती है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम आप विश्वसनीय तरीके से आई इंडिया करता रहेगा। जी बिल्कुल, तो सीतापुर में 6 नगर पालिकाएं हैं जिनमें अध्यक्ष पदों का जो अंतिम आरक्षण आया है उसमें 3 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण पूरी तरह से बदल दिया गया है। मिश्रिक में पहले ओबीसी महिला था, अब अनुसूचित जाति महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है। वहीं खैराबाद में अनारक्षित सीट थी जो 2022 दिसंबर में आया था आरक्षण, अब पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। वहीं लहरपुर में अनारक्षित थी ये भी सीट और इसको पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तो 3 नगर पालिकाओं में बड़ा फेरबदल हुआ है। वहीं सीतापुर, बिसवा और महमूदाबाद में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सीतापुर में पहले भी महिला थी, अब भी महिला है। बिसवा में और महमूदाबाद दोनों जगह पहले ये सीट अनारक्षित थी, वहां अनारक्षित ही रहेगी। तो सबसे पहले आई इंडिया आपको यह खबर दे रहा है नगर निकाय चुनाव के अनंतिम जो सूची है अध्यक्ष पद के आरक्षण की। अभी आगे नगर पंचायत का जो अनंतिम आरक्षण आएगा वो भी हम आपको विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।